हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिप्लाई स्टैक। तो गाइस फाइनली मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो मेरा नाम सलमान और आप देख रहे हैं रिप्लाई स्टैक। तो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने पुराने फ़ोन को घर बैठे सेल कर सकते हो। वो भी बहुत ही ईजी ट्रिक है और बहुत ही सिंपल जो है कि ये प्रोसेस है। इस वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप ना करें और इस वीडियो को आप कृपया पूरा देखें। तो चलिए आगे इस वीडियो में जो है कि आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब आगे इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो एग्जैक्टली मैं आ चुका हूँ फ़ोन के होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट को। एंड यहाँ पे ओपन करने के बाद गाइस आपको सिंपली चले जाना है कैटेगरीज में, ओके। एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन केस आपको सबसे नीचे मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर चले जाना है। एंड यहाँ पर जाने के बाद गाइस आपको सिर्फ सेल करना है, तो आप फ़ोन केस में जा सकते हो या फिर आपको एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज स्टोर पे जा सकते हो, ओके। आपको ओनली सेल करना है तो आपको सिंपली फ़ोन केस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कि लिखा हुआ सेल योर ओल्ड फ़ोन फ्रॉम योर डोर स्टेप इन 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर गेट अप टू 30,000, ठीक है। तो सेल नाउ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस हमारा फ़ोन जो है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सेस हो गया है वीवो S1। यस कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके ना। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, तो यस कंटिन्यू पे करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है गाइस विच फ़ोन डू यू हैव, मतलब आपका कौन सा फ़ोन है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कोई दूसरा फ़ोन अगर आप यहाँ पे मतलब कि बेचना चाहते हो तो दूसरा फ़ोन को भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर रियलमी हो, सैमसंग हो, आईफोन हो, मोटोरोला हो, वन प्लस हो, कोई सा। तो मैं यहाँ पे अपना जो है कि वीवो को फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस जो कि S1 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारा जो है कि आपको मॉडल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फाइनली जो है कि गाइस नेक्स्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करके। एंड यहाँ पर गाइस मुझे बोला जाएगा EMI नंबर डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालने के बाद गाइस सिंपली यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे करने के बाद गाइस आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर आप सेल करते हो तो आपको फ्लिपकार्ट का जो है कि गिफ्ट कार्ड में आपको जो है कि ये पैसा दिया जाएगा 3,350 रुपये, जो ये इस मोबाइल का जो कीमत है, ठीक है ना। तो मोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मोस्ट पीपल गेट, मतलब कि अधिकतर लोगों को 2,500 रुपये दिया गया है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर गाइस जहाँ पे आपका करंट एड्रेस है आप वही एड्रेस यहाँ पर कृपया डालिएगा, क्योंकि गाइस अगर कहीं और का डालते हो तो फिर आपका फ़ोन सेल नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर जो कि वही एड्रेस डालिएगा जहाँ पर आप करंट में हो, ठीक है। तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस पिकअप अवेलेबल ऑन 3 अक्टूबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर गाइस आपको डेट लिखा हुआ जिस दिन पिकअप करेगा, तो वो यहाँ पे देख सकते हो पिकअप अवेलेबल ऑन इतना, और 1 रुपया शायद गाइस चार्जेस वगैरह है कुछ तो उसका कटेगा। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो हाउ डज इट वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 पॉइंट दिया गया है जो कि वो सब पहले फर्स्ट में आएगा गाइस, आपका फ़ोन वगैरह जो है कि चेक करेगा और आपका प्राइस जो है कि वहाँ पे फाइनल होगा, और फिर जाके गाइस यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपका चेक करेगा, कंडीशन इंस्टॉल वगैरह करेगा, एप्लीकेशन वगैरह, और यहाँ पर कुछ प्रोसेस है वो अपना करेगा। और थर्ड नंबर पे गाइस यहाँ पर जो है कि इंटरनेट वगैरह चालू करके 50% फ़ोन आपका जो है कि चार्ज होना चाहिए, सब उसका प्रोसेस है जो वो चेक करेगा, और रिमूव गार्ड, स्क्रीन गार्ड, ओके ना। तो और यहाँ पर गाइस फिर उसके बाद जो है कि कुछ अगर इशू नहीं रहेगा तो आपको उतना ऑफ़र करेगा जितना जो है कि 3,350 बता रहा था उतना ही ऑफ़र करेगा, या फिर कुछ इशू रहेगा तो वो फिर अपने हिसाब से बोलेगा। तो आप यहाँ पर बेच भी सकते हो और नहीं भी बेच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको 5 नंबर पर बोला गया है कि अगर आपका फ़ोन पिकअप हो जाता तो उसका 24 घंटे के बाद जो कि आपका पेमेंट फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड में मतलब कि आपको दे दिया जाएगा। तो आपको अगर बेचना है तो यहाँ पे कंफर्म एंड सेल कर सकते हो, वरना फिर आप यहाँ पर डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस इसका पर्पस यही था गाइस कि अगर आपको सेल करना है फ़ोन तो कृपया आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छा जो कि इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आप लोगों को मिला होगा। तो गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए, और साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जो है कि गाइस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।